हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी पर पूरे देश में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। वहीं सोमवार को उसका गुस्सा चंडीगढ़ में भी देखने को मिला। चंडीगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस की तरफ से सेक्टर 17 प्लाजा में वेटनरी डॉक्टर से हुई दरिंदगी को लेकर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई और बलात्कारियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की है, जिसमें मुख्य रूप से चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा भी शामिल थे। सर, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको पता ही है कि भारत की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। अभी जो हैदराबाद में काम हुआ उससे बहुत हमें दर्द है, बहुत ही हमें इनसिक्योरिटी है कि हम लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। चाहे वो आज हैदराबाद की बात है, कल को किसी और शहर की बात होगी और कभी ये भी होगा कि वो चंडीगढ़ की बात आ जाएगी। तो आज हम सब महिलाएं कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से आपको ये बताना चाहते हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं। हम मोदी जी से ये पूछना चाहते हैं कि मोदी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बहुत बार दावे दिए, नारे दिए, उस कार्यक्रमों को चलाया, उसका क्या फायदा? जब एक लाश चल रही है किसी लड़की की, तो आपका जो बेटी बचाओ का जो नारा है वो भी उसके साथ ही चल गया। हम ऐसी सोसाइटी में नहीं रह सकते, हमें सुरक्षा चाहिए। और आज हम उस बहन को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम ये सरकार से मांग करते हैं कि उस बहन की शांति, आत्मा को शांति तभी होगी जब उसके दोषियों को फांसी की सजा हो जाएगी। हमें तरीके नहीं चाहिए, हमें फांसी चाहिए। तरीके देखते देखते तो रोज एक नया कांड हो रहा है। हमें तरीकों से कुछ नहीं लेना, हमें अदालत की तरीकों का काम नहीं करना, हमें तो उन दोषियों को फांसी की सजा चाहिए। अगर एक भी दोषी को फांसी की सजा देश कर देगा तो आप, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि दूसरा कभी रेप का केस भारतवर्ष में नहीं होगा। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।